सोहल मेरे दोस्तों नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके सपने नंबर वन यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी सीजनल वर्क परमिट पोलैंड का बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों। डायरेक्ट कंपनी से काम है, बिना ई फोर बट के जिसने भी अप्लाई करना हो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर जिसने भी अप्लाई करना हो अपनी इच्छा अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है जी, बहुत लिमिटेड वैकेंसीज हैं इसमें। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट होता है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है जी। क्योंकि हमारा काम तो हम आपको बता के देते हैं, अगर आपको इसमें समझ नहीं आता तो भाई वो आपकी अपनी स्वेच्छा है, ठीक है जी। तो अब इसके साथ साथ मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है। कॉन्टैक्ट करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, टाइम लेके अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जिसकी भी खुद की इच्छा है दोस्तों, जिसने भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना और हमारा, सिर्फ और सिर्फ वही संपर्क करें जेन्युइन हाईली सीरियस और इंटरेस्टेड कैंडिडेट, ठीक है जी। इतना साफ सुथरा आपको शायद ही कोई बोल के बताता हो, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ही बढ़िया नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज, जो नए वीज़ा अप्रूव होते हैं, ठीक है जी, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया रील्स और व्लॉग्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर क्लियरली फ्लैश हो रही होगी, ठीक है जी। और फ्रेंड्स, आपने दो कैंडिडेट जिनके जर्मनी और पोलैंड का वीज़ा आया है, ठीक है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से उनके लिए, ठीक है जी। काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा सा टाइम उनको एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, क्योंकि आपको बताया दोस्तों वीज़ा का डिसीजन तो एटलीस्ट एम्बेसी पे ही होता है, एम्बेसी में एक बार फाइल चली जाती है तो टाइम, इट विल टेक टाइम, टाइम लग सकता है, नो इफ नो बट, ठीक है जी। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कि उनका वीज़ा तो कम से कम अप्रूव हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से उनको, ठीक है जी। तो जल्द से जल्द वो जाएँ और अपने ड्रीम को, अपने सपनों को साकार करें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टिव मेंबर्स के, व्यूअर्स के, कि सर कहीं से वीज़ा किसी के थ्रू अप्लाई करवाया था, रिजेक्ट हो गया, ठीक है जी, सर काफ़ी निराश हैं, उदास हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके के कमेंट जब मैं सुनता हूँ या जब पर्सनली मैं बात करता हूँ कैंडिडेट से जिनका कहीं ना कहीं से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता है, ठीक है, उन्होंने कहीं से किसी कंट्री के लिए अप्लाई करवाया किसी से, तो दोस्तों मैं एक ही बात आप सभी को वंस फॉर ऑल कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, वीज़ा इंडस्ट्री जो ऐसी है, ठीक है जी, जिसमें आपको ये गारंटी नहीं होती कि आपका वीज़ा अगर आप अप्लाई करेंगे तो लगेगा ही लगेगा। पहली चीज़, जब भी आप वीज़ा के लिए दोस्तों अपना माइंड बनाएं, जब भी आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो ये चीज़ क्लियरली सोच लें कि येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, ठीक है जी। लाइफ में दोस्तों किसी भी चीज़ की कोई गारंटी वैसे भी नहीं होती है, ठीक है, और साथ साथ वीज़ा इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक छोटे बच्चे जो होते हैं प्यारे प्यारे, आपने देखा होगा कि जब वो चलना सीखते हैं तो वो चलना सीखने से पहले कई बार अपने कदम उठाते हैं, कई बार गिरते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं, फिर कई बार गिर जाते हैं बेचारे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एटलीस्ट वो चलना सीख जाते हैं, ठीक है जी। अगर वो ये सोच लें, बच्चा एक बार डर जाए ये गिर के कि भाई अगर मैं गिर गया अगली बार मैं अब चलना रहने दूं, तो सोचो दोस्तों वो बच्चे चलना भी ना सीख पाए। लेकिन वो बच्चे में भी इतनी हिम्मत होती है दोस्तों, वो बच्चे कई बार ना जाने कितनी बार, एक बार नहीं दस बार नहीं, ना जाने कितनी बार, कई कई बच्चे जो होते हैं बेचारे प्यारे प्यारे, वो छोटे गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, उसके बाद फिर उठ खड़े होते हैं। तो जब दोस्तों वो बच्चे कर सकते हैं तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये सवाल मेरा सीधा आपसे है। तो वीज़ा इंडस्ट्री में दोस्तों घबराना नहीं है, बिल्कुल अपना स्ट्रेंथ कर, ठीक है, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री है भाई, ज़रूरी नहीं है हर कंट्री आपके लिए बनी है, हो सकता है आपके लिए जिस कंट्री में आपने अप्लाई किया है वो कंट्री आपके लिए ना बनी हो, उससे कोई बेटर कंट्री आपके लिए हो। तो इसलिए सही कंसल्टेंट की सलाह लेंगे दोस्तों तो आपका जीवन भी सही रहेगा, इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपकी भाई अपनी इच्छा है, जैसा जो करना चाहे भैया, अपना हंस खेल के ज़िंदगी जिए, ठीक है जी, नो इफ नो बट। अब फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गई कुछ पर्सनल बात, क्योंकि ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग जो निराश हो जाते हैं उनको मोटिवेट करना भी दोस्तों मेरा फर्ज बनता है, ठीक है जी, एज ए कंसल्टेंट। तो अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको जो रिक्वायरमेंट आई है पोलैंड के सीजनल वर्क परमिट वीज़ा की, ये काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए है जिसने फास्टेस्ट वे में एंट्री करनी है। नंबर वन पर रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों फार्म वर्कर की। तो फार्मिंग में दोस्तों जैसे आपको पता है अब गर्मियां आने वाली हैं, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो गर्मियों तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो गर्मियों का सीज़न जैसे ही स्टार्ट होने वाला है तो आपको फटाफट आपको एंट्री मिल जाएगी। उस समय दोस्तों क्या होता है कि वर्कर की नीड भी बहुत ज़्यादा होती है। पोलैंड की गवर्नमेंट और इमिग्रेशन को भी पता है कि भैया हमें अर्जेंट में वर्कर चाहिए जो वहाँ के
एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो फटाफट दोस्तों वीज़ा की अप्रूवल रेट में भी उछाल आता है। ठीक है जी, ये सारा डिमांड सप्लाई का खेल होता है। मैंने आपको बार बार समझाया दोस्तों वीडियो में कि डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, जब आप गर्म लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तभी उसका बेनिफिट होता है। ठीक है जी, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब आपको पता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई हमारे पोलैंड कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो हम वीज़ा अप्रूव करेंगे ही करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सारे वीज़ा अप्रूव होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अभी की जो सक्सेस रेट चल रही है उससे बेटर हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है बार टेंडर्स की, और इसके साथ साथ दोस्तों हाइपर मार्केट में, बार टेंडर में और हाइपर मार्केट में दोस्तों रिक्वायरमेंट्स आई हैं। ठीक है, बार टेंडर का जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, ज़रूर अपना लगाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो प्लीज़ ज़रूर दें। ठीक है जी, एक्सपीरियंस लेटर को हाइड ना करें। ठीक है जी, एक्सपीरियंस लेटर में आपका ही बेनिफिट होगा। जब आपकी फाइल एम्बेसी के अंदर जाएगी और एक्सपीरियंस लेटर लगा होगा तो इसमें आपके वीज़ा के चांसेस ही बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो एक्सपीरियंस लेटर कोशिश करेंगे, अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर की बात कर रहा हूँ जिसमें वाकई आपने काम किया हो, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू आ गया अगर तो आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिए गए तो भी आप उसका आंसर ताकि कर पाएं। ठीक है जी, बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो हम करा ही देते हैं। खाली किसी को दोस्तों सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी हो, अगर किसी ने एक्स वाई जेड कहीं से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, खाली इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी है पोलैंड की या और किसी कंट्री की, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे दोस्तों जो एक्सपर्ट स्टाफ हैं वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे, और पर्सनली आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम लेके, तो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको और बढ़िया इंटरव्यू की ट्रेनिंग आपके लिए करवाई जाएगी आपके। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो रिक्वायरमेंट आई है इसके बाद वेटर की भी है, तो वेटर भाई भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम की बात कर लूँ तो दोस्तों लगा के चलेगा इसमें 90 दिन के आसपास प्रोसेस टाइम इसका लगा लीजिएगा, मोर और लेस थोड़ा बहुत हो सकता है। अपॉइंटमेंट आपको VFS की चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। VFS की इमीडिएट अपॉइंटमेंट भी अगर आपको चाहिए तब उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको VFS की जल्दी अपॉइंटमेंट अर्ली में मिल सकती है बिना आपके 6-8 महीने वेस्ट किए। ठीक है जी, तो उसके भी तरीके होते हैं, वो आपको तरीके हम गाइड कर देंगे किस तरीके से मिल सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉन्टैक्ट जो करें सिर्फ हाईली सीरियस इंटरेस्टेड बंदे ही कॉन्टैक्ट करें, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब कहीं भी आप बैठे हैं आपने काम करवाना है आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी की दोस्तों जो और डिटेल होगी मैं आने वाले आपको और वीडियो में भी बताऊंगा। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों ये लेवल वाइज रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जैसे आप फर्स्ट लेवल की है फिर उसके बाद सेकंड लेवल की रिक्वायरमेंट भी आएगी। ठीक है जी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें भी मैं आपको पोलैंड के सीजर कंपनी की रिक्वायरमेंट बताऊंगा। तो दोस्तों इसे एस परमिट कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये एस परमिट होता है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, जिसे सीजनल वर्क परमिट भी आप कह सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आपको कोई भी सवाल हो छोटा मोटा कोई सही क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं दोस्तों उनका जवाब देने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है जी, तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।